अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। शर्जील शौकत आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार कल्टस के बारे में वीडियो बनाए, कुछ कल्टस दिखाएं हमें। तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं इनके पास समझ लें कल्टस का ही मेला लगा हुआ है। मेरे पास यहाँ पे चार कल्टस लाइन में खड़ी हैं और आज हम आपको कल्टस के बारे में ही बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे कल्टस अवेलेबल है और कौन से इनके मॉडल्स हैं, प्राइस क्या है। अगर आपको ओवरव्यू दिखाएं तो ये सारी बड़ी ही साफ हालत में लग रही हैं। मेरे पास यहाँ पे 8 मॉडल भी है, 12 मॉडल भी है और 13 मॉडल भी है। आज डिटेल से आपको बताते हैं कि हमारे पास ये कौन कौन सी कल्टस है, इनकी कंडीशन क्या है और इनकी इंटीरियर एक्सटीरियर सारा आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास कल्टस है। वीडियो आगे देखने से पहले आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक जो यूज्ड कार्स हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं जी हमारे पास आज कौन कौन सी कार है और कौन कौन से मॉडल है, लेट्स गो। जी व्यूअर्स, मेरे पास जो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ ये है जी सुजुकी कल्टस है। ये 2013 मॉडल है, 2013 मॉडल है और कंडीशन वाइज मैं अगर आप इसके बारे में आपको बताऊँ तो माशाल्लाह बड़ी ही साफ हालत में है। अगर मेरे कैमरा मैन भाई आपको इसका बोनट दिखाते हैं, बोनट आप चेक करें, बिल्कुल स्क्रैचलेस है, कहीं पर कोई भी स्क्रैच आपको नज़र नहीं आएगा। इसका जो बम्पर है बिल्कुल साफ एंड शफाफ बम्पर है। अगर मैं इसके आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँ तो ये लाहौर की रजिस्ट्रेशन है और साइड अगर आपको दिखाते हैं, आप साइड देखें क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं जी आप साइड्स नहीं दिखाते हैं, तो साइड देखें जी बिल्कुल साफ हालत में साइड्स हैं। टायर अगर आपको दिखाएं, अलॉय रिम लगे हुए हैं और टायर्स की जो कंडीशन मुझे नज़र आ रही है वो 60 प्लस है, 60 प्लस टायर्स की कंडीशन है। बाकी ये ऊपर से सारी जनरल साइडों से थोड़ी बहुत टचिंग इसमें है, वो आपको ज़रूर हम बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि 100% टचिंग नहीं है इसमें, टचिंग साइड से होगी हल्की फुल्की। आइए आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं, आप देखिए कि इंटीरियर से ये कैसी देखिए जी व्यूअर्स, इसकी जो सील्स हैं दरवाजे की बिल्कुल अपनी असली हालत में, कहीं से कोई डैमेज नहीं। इसका दरवाजे के जो ये गत्ते लगे हुए हैं, इसका जो इंटीरियर है डोर का वो बड़ा साफ़ सुथरा है और माशाल्लाह अंदर से आप नज़र मारते हैं तो ये कहीं से भी आपको ये नहीं लगे कि 13 मॉडल है। मतलब ये आप इतनी पुरानी गाड़ी आपको लगती नहीं है लेकिन बिल्कुल साफ है। डैशबोर्ड अगर मेरे भाई आपको थोड़ा सा आगे से दिखाएं तो देखिए बिल्कुल शाइन कर रहा है और स्क्रैच लेस है, एक थोड़ा सा स्पॉट भी आपको नज़र नहीं आएगा। मैनुअल में है, इसकी ट्रांसमिशन जो है मैनुअल है, पोशिश बिल्कुल साफ हालत में है, कहीं से थोड़ी सी भी पोशिश ख़राब नहीं नज़र आ रही। तो इसके अगर आप बैक रूम देखते हैं ये देखिएगा बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन पोशिश है। सीट्स जो हैं बिल्कुल अपनी ठीक हालत में बैठी हुई ज़रा भी नहीं है। 13 मॉडल है लेकिन स्टिल जो मैट्स हैं इसके, मैट में देख रहा था बिल्कुल अच्छी हालत के मैट्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं साफ और अच्छी क्वालिटी के। छत अगर आपको दिखाते हैं तो बिल्कुल देखे छत भी आपको ठीक और साफ सुथरी छत नज़र आ रही है, मतलब बड़ा ही मेंटेन करके रखा है। बैक साइड आपको दिखाते हैं व्यूवर्स, तो आप देखिए बैक साइड भी बिल्कुल अच्छी हालत में है, थोड़ी बहुत टचिंग आपको नज़र आएगी लेकिन बाकी ओवरऑल जो है बिल्कुल साफ हालत में। लाइट्स इसकी बिल्कुल अच्छी हालत में लाइट्स हैं, लाइट्स का भी कोई इशू नहीं है। इसका जो बैक बम्पर है वो भी बिल्कुल अच्छी हालत में बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स दिखाते हैं आपको जिसका जो ट्रंक है, ट्रंक अगर आप इसका देखते हैं हाइड्रोलिक ट्रंक है और साफ सुथरी हालत में है यार, कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं नज़र आ रहा मुझे। इसकी सील्स देखिए आप, सील्स हैं सारी इसकी अपनी जगह पे मौजूद हैं और बिल्कुल ठीक हालत में है। बाकी अगर आप इसका दिखाते हैं आपको उसका ट्रंक दिखाते हैं और इसके जो स्टपनी है वो दिखाते हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही साफ़ सुथरी जगह है, कहीं से कुछ भी ख़राब नहीं है। जी देखें जी पाना शाना जैक इसका और स्टपनी भी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश स्टपनी पड़ी हुई है। मतलब ये है कि इसकी ऑल एक्सेसरीज जो हैं सारी एक्सेसरीज अपनी बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद हैं। आइए आपको इसका दिखाते हैं इंजन, क्या इसके इंजन की क्या कंडीशन है और क्या सूरत हाल है। मैं आपको पता है हमेशा कहता हूँ कि जो गाड़ी का इंजन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसका जो इंजन है उसकी क्या कंडीशन है और क्या सिचुएशन है। जी क्या बात है जी, देखिए राणा साहब के पास कोई भी जो गाड़ी आती है ना, पता नहीं ये खुद इसको अच्छा करवाते हैं या इनके पास गाड़ियाँ अच्छी आती हैं, माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरी हालत में। बोनट इसका चेक करें आपको, सारी की सारी सील्स बिल्कुल ठीक हालत में है। कुप्पे अगर आपको दिखाते हैं जी, कुप्पे देखें, दोनों कुप्पे बिल्कुल ठीक हैं और इसका जो चेसी नंबर है, उसका जो बिस्किट लगा हुआ है वो नंबर बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है, ख़राब भी नहीं है। बैटरी बिल्कुल ठीक हालत में बैटरी भी नज़र आ रही है। इंजन के अगर आप उसके ऊपर नज़र करें, कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी लीकेज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेन चीज़ होती है। और बाकी इसकी फ्रंट पट्टी अगर आप देखते हैं, इसके स्टिकर्स तक अपनी हालत में है, मतलब कहीं से स्टिकर्स भी इनके ख़राब नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो गाड़ी की हालत है बहुत ही बेहतर हालत में अपनी गाड़ी है।
व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कल्टस खड़ी हुई है ये वाइट कलर में है और इसका मॉडल जो है वो 2012 मॉडल है। बाकी इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो लाहौर की है। अगर कैमरे से आपको दिखाते हैं, इसका जो बोनट है बिल्कुल उन्होंने इसकी अच्छी हालत में रखा हुआ है। इसका बम्पर बिल्कुल ठीक है, इसमें जो है टचिंग है इसमें भी थोड़ी बहुत आपको टचिंग मिलेगी, बाकी ओवरऑल जो है वो बहुत साफ हालत में है। इसके टायर अगर आप देखते हैं अलॉय रिम इसको भी लगे हुए हैं, अलॉय रिम लगे हुए हैं और साथ में इसकी जो टायर की लाइफ है आप कह सकते हैं कि ये भी 60 प्लस ही है। ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो साइड आप इसकी चेक करें, साइड से भी ये बिल्कुल साफ़ हालत में है, कोई ज़्यादा स्क्रैचेज़ या डैमेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, अगर आप देखें इसका जो डोर है बिल्कुल उसकी कंडीशन देखें, बिल्कुल साफ़ है, अच्छी हालत में है। और उसके बाद अगर आपको इसका इंटीरियर चेक कराते हैं हम लोग, जी डैशबोर्ड दिखाते हैं आपको, स्टेयरिंग चेक करें, ये भी मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है और डैशबोर्ड भी साफ़ है, कहीं से स्क्रैच नज़र नहीं आ रहे हैं। सीट्स की अगर बात की जाए तो सीट्स की पोशिश भी बिल्कुल ठीक हालत में है। अगर आप देखें इसके ऊपर ये जो कप होल्डर्स लगे हैं ये भी जगह है। बाकी दरवाजे इसकी साफ़ हैं। अगर बैक साइड आपको दिखाते हैं तो बैक साइड भी आप बैक साइड देखें आप, बिल्कुल साफ़ हालत में है, सीट्स की कोई कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। छत इसका दिखाएं आपको तो छत भी बिल्कुल साफ़ हालत में है। और बाकी अगर आप देखें कि ओवरव्यू अगर गाड़ी का लेते हैं ना तो ये हर लिहाज से मुझे सही लग रही है। चलिए आपको इसकी बैक साइड दिखाते हैं जी, आ जाएं। जी व्यूवर्स, अगर आप इसकी बैक साइड देखते हैं राणा मोटर्स का लिखा भी हुआ है। बाकी इसकी जो बैक साइड है इसका बम्पर चेक कर लीजिए, ऊपर से चेक कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी हालत में है, साफ़ सुथरी हालत में है, थोड़ी बहुत इसकी भी टचिंग हुई हुई है। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है। हाइड्रोलिक इसकी भी ट्रंक है और अंदर से अगर आप देखें तो साफ़ सुथरा इसका ट्रंक भी है, कहीं से कोई भी डैमेजेस या कुछ ख़राब नज़र नहीं आ रहा है। और नीचे से अगर आपको दिखाता हूँ मैं इसका स्टपनी वगैरह वो भी कहते हैं जी, पूरी चीज़ें इनके पास हैं जी। हाँ, ये बिल्कुल स्टपनी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका जो ये इसको टब कहते हैं वो भी बिल्कुल साफ़ हालत में है। मतलब अगर आप बैक साइड से भी इसको कहें तो वो भी बिल्कुल ठीक हालत में है। तो हमारी कोशिश है व्यूवर्स, जो भी हमारी गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं वो साफ़ कंडीशन की होनी चाहिए, हमारी यही कोशिश होती है। चले आपको उसका इंजन दिखाते हैं जी, इंजन की क्या सिचुएशन या क्या कंडीशन है जी। तो व्यूवर्स अगर आप देखें तो इसका जो इंजन है बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में रखा हुआ है। इसकी बैटरी मुझे बिल्कुल देखें तो नई लग रही है। कुप्पे अगर आप इसके देखते हैं, कुप्पे इसके बिल्कुल अपनी अच्छी हालत में है, अच्छी कंडीशन में है। और बाकी दोनों कुप्पे मुझे सही लग रहे हैं, इंजन में कहीं से भी लीकेज नज़र नहीं आ रही है। चेसी नंबर और चेसी बिस्किट इसका जिसे कहते हैं वो भी बिल्कुल अपनी ठीक कंडीशन में है। फ्रंट पट्टी अगर आपको दिखाएं इससे पता चल जाता है कि ये नॉन एक्सीडेंटल है, ये पहचान होती है इसकी कि अगर डैमेज होती है तो पता चल जाता है। बाकी प्लस जो इसके सील्स हैं बोनेट की वो भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक हालत में, कहीं से भी कोई कुछ मेजर चीज़ नहीं नज़र आ रही जो हम कहें कि इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। व्यूअर्स, गाड़ी आपको दिखाई है हमने, इंटीरियर एक्सटीरियर और इसका इंजन सारा कुछ आपको दिखाया है। एसी इसका भी बिल्कुल एक्टिव है, फुली मतलब वर्किंग कंडीशन में है, कुछ भी इसको प्रॉब्लम नहीं है इंजन वाइज भी। और बाकी अगर इसकी बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस इसकी जो डिमांड की जा रही है यहाँ पर 11,30,000 डिमांड की जा रही है, स्लाइटली निगोशिएबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, इनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि अगर इसमें कुछ कमी पेशी हो सकती है। हमारे पास एक और कल्टस यहाँ पे खड़ी है और ये है 2008 मॉडल, ये 2008 मॉडल है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लाहौर की ही है। इसकी भी मैंने पूछा है उनसे तो वो कह रहे हैं जिसमें भी हल्की फुल्की टचिंग है, बाकी ये गाड़ी अपनी असली हालत में है। एसी इसका फुल वर्किंग कंडीशन में है। साइड से अगर आप देखते हैं इसको, साइड भी इसकी बिल्कुल अच्छी हालत में साइड जो है। तो अगर आप इसके टायर्स की बात करते हैं तो टायर्स भी मुझे इसके 60 प्लस ही नज़र आ रहे हैं और इसमें अलॉय रिम नहीं लगे, इसके नॉर्मल है। बाकी अगर आप इसका इंटीरियर की बात करें, आ जाए आपको इसका इंटीरियर दिखा देते हैं जी, इसका इंटीरियर कैसा है। डोर दिखाएं भाई, डोर भी देखें अगर इसके, डोर भी बिल्कुल अपनी ठीक हालत में है, कोई इसे सच एस प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बाकी अगर इसकी आप डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड भी बिल्कुल स्क्रैच लेस है, कहीं से कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा, कुछ निशान नहीं नज़र आ रहे, रस्ट कहीं पे भी यहाँ पे गाड़ी मुझे नज़र नहीं आई। सीट्स देखें तो आप इसकी पोशिश जो है बिल्कुल साफ़ हालत में है, बैठी हुई गाड़ी भी सीट्स नहीं लग रही। बैक सीट्स भी मुझे जो नज़र आ रही हैं बिल्कुल अच्छी हालत में है, सीट्स अपनी बिल्कुल ठीक सिचुएशन में बैठी हुई नहीं है। छत देखें तो छत भी इनकी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी। हाँ जी व्यूअर्स, बाकी देख रहे हैं आप इंटीरियर इसका बिल्कुल ठीक है। आइए आप उसका बैक साइड से दिखाते हैं, इसका ट्रंक दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसी ट्रंक की कंडीशन है। इसका बैक अगर आप देखते हैं तो बैक इसकी बिल्कुल अच्छी हालत में है, लाइट्स इसकी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में लगी हैं, बम्पर भी बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई मुझे ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। तो अगर इसकी बैक की बात करें तो बैक भी बिल्कुल अपनी इसकी अच्छी हालत, देखें अगर आप देखते हैं इसकी बैक साइड भी बिल्कुल ठीक है और कैम बैक कैम लगा हुआ है जी,
बैक कैम इसका फुल एक्टिव है, वर्किंग कंडीशन में है, कोई इसका इशू नहीं है जी। आज आप इसका दिखाते हैं आपको इसका इंजन, मेन चीज़ इंजन ही है। चलें देखते हैं जी इंजन कैसा है इसका। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह इसका भी इंजन अगर आप देखते हैं बाकी गाड़ियों की तरह, इसका भी इंजन बिल्कुल अच्छी हालत में है। इसके कुप्पे अगर आप देखते हैं दोनों साइड से कुप्पे इसके अपनी असली हालत में है, कुछ भी कहीं से भी कुछ ख़राब नहीं नज़र लग दोनों लग रहे मुझे। बैटरी भी इसकी ठीक लग रही है, कंडीशन वाइज ये बिल्कुल ठीक लग रही है। बाकी इसकी फ्रंट पट्टी अगर आपको दिखाएँ बिल्कुल अच्छी हालत में है, कहीं से कुछ डैमेज या एक्सीडेंट नहीं नज़र आ रहा कि ये ख़राब हो। बाकी इंजन में अगर आप डिटेल से भी देखें तो मुझे कहीं से लीकेज नज़र नहीं आ रहा। अगर लीकेज होता है तो इसका मतलब है कि इंजन में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। अगर इसके आप बोनट के चेक करें, बोनट भी बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि गाड़ी की इंजन वाइज भी ये बिल्कुल अच्छी हालत में है, बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स अगर आप देखें तो ये जो गाड़ी यहाँ पर कल्टस 2008 मॉडल है, इसकी भी जो कंडीशन मैंने आपको दिखाई है अंदर से, इंटीरियर एक्सटीरियर एलसीडी लगी हुई है, एसी टोटली इसमें वर्किंग कंडीशन में है। और जो डिमांड की जा रही है, प्राइस डिमांड कर रहे हैं ये लोग 8,60,000 रुपया इसकी डिमांड की जा रही है। स्लाइटली निगोशिएबल है अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। व्यूवर्स मेरे पास यहाँ पे गाड़ियों की मैं बात करूँ, इनके पास आल्टो भी खड़ी हैं, इनके पास दूसरी भी डाउन मॉडल गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और भी एक कल्टस खड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। बाकी भी अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं इनसे, और अब फ़ोन नंबर आपके सामने आ रहा है, बाकी गाड़ियों के बारे में आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर तो आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है व्यूवर्स, तो आपने वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, सिर्फ एक बटन दबा दिया करें, कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच आपकी ऑलरेडी इतनी जो मोहब्बत दिखाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बाकी जो वीडियोज़ वो भी पसंद आती हैं। अगर तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने आसपास दूसरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।